गुमला पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन झांगुर गुट के सक्रिय सदस्य कुख्यात अरविंद उरांव को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेदार और देवरा गानी क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक उग्रवादी इलाके में लेवी मांगने और दहशत फैलाने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों ओर से घेराबंदी की और उग्रवादी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और गोली बरामद हुई है। ये पिस्टल जो है, जो पुलिस रखती है ना अपने पास ऑर्डिनेंस मेड, तो ये या तो किसी 10 को एक ज्वाइंट टीम के द्वारा रेड किया गया था झांगुर गिरोह के ऊपर, जिसमें एसएसपी बनारी की हमारी जो साइड टीम थी और हमारे घाघरा थाना प्रभारी, बिशनपुर थाना प्रभारी और वहाँ की जो साइड टीम थी, इनके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। उसमें रामदेव भुक्ता, जो झांगुर गुट का कुख्यात अपराध कर्मी है, इसी सूचना पर छापेमारी हुई थी, जिसमें उस गुट के जो एक प्रमुख सदस्य है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अरविंद उरांव और झुंझुन, ये रूपा कोना का रहने वाला है। इसके गिरफ्तारी से इसके पास से एक 9mm पिस्टल, जो रेगुलर वेपन है, वो बरामद हुआ है। 5 इसमें जिंदा गोली हम लोगों को मिला है और एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। ये वही अपराध कर्मी है जो कुछ दिन पूर्व, जो है जुलाई महीने में, एक हमारे नेतरहाट घाटी में एक आरक्षी की हत्या हुई थी गोली मारकर, उस हत्या में ये शामिल रहा और इसके द्वारा ही गोली मारी गई थी। उस हत्याकांड में जो वेपन था, यही 9mm पिस्टल था जिससे उसको गोली मारी गई थी। इसकी गिरफ्तारी से उस क्षेत्र में जो ये झांगुर गुट है उस पर काफ़ी उसको झटका लगा है। पूर्व में भी इस गुट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।